सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होंगी। गाइस, इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। मेरे पास ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पर कई भाई ने सेंड करी थी कि भाई इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आओ, ये कैसे बनेगी। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस, आपको नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके, यहाँ से गाइस आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद, यहाँ से गाइस आपको एक अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी है जिस फ़ोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। फ़ोटो ऐड करने के बाद गाइस आपको लास्ट में चले जाना है, ये ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। फिर यहाँ पर गाइस आपकी फ़ोटो 3 सेकेंड की होगी, तो गाइस आपको इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है। कितनी बड़ा होगा यहाँ पर मैं आपको बढ़ाने के बाद दिखा देता हूँ। गाइस, आपको अपने फ़ोटो की लेंथ करनी है 6.62 की, ठीक है। साइड में स्क्रीन पर टच करके, ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके, पहले गाइस आपको ये वाली वीडियो को सेव कर लेना है। अगर आप ये वाली वीडियो को सेव नहीं करोगे तो आपकी वीडियो में गाइस स्प्लिट नहीं हो पाएगा। फिर आपको एक बार बैक करना है। यहाँ पर गाइस आपको बड़े वाले प्लस पे क्लिक करना है, वीडियो फ़ोटो पर क्लिक करना है, जो वीडियो गाइस आपने सेव करी अभी आपको उसी को लेना है। फिर गाइस आपकी जो फर्स्ट में फ़ोटो रहेगी उसे आपको डिलीट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको गाइस सबसे पहले शुरू में आ जाना है, यहाँ से आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, म्यूज़िक पर आना है और गाइस यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। फिर गाइस आपको नीचे म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस, आपको अपने म्यूज़िक पर ये 9 बीट्स लगा लेनी है। 9 बीट्स लगा लोगे आपकी वीडियो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगी। 9 बीट्स गाइस आपको किस टाइम पर लगानी है, मैं एक काम करता हूँ, आपको बीट टाइम बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखकर अपने म्यूज़िक में बीट लगा लेना। गाइस, आपको फर्स्ट वाली बीट लगानी है 0.60 पर, सेकेंड बीट 1.34 पर, थर्ड बीट 1.71 पर, फोर बीट 2.72 पर, फाइव बीट 3.26, सिक्स बीट 3.92, सेवन बीट 4.54, एट बीट 5.17, नाइन बीट 5.85। यह आपको 9 बीट्स लगा के 2 बार राइट कर देना है। अभी गाइस आपको फर्स्ट वाली बीट पर टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है, सेकंड पर टच करना है, स्प्लिट करना है, थर्ड पर टच करना है, स्प्लिट करना है, फोर पर टच करना है, स्प्लिट करना है। यानी कि गाइस आपने जितनी बीट लगाई है आपको हर एक बीट पर टच करके अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। जिस तरीके से गाइस मैं स्प्लिट कर रहा हूँ आप ऐसे ही कर लेना। अभी आपको शुरू में आ जाना है। यहाँ पर गाइस आपको एक काम और करना है। सबसे पहले गाइस आपको 2 फिंगर से वीडियो के लेयर को बड़ा कर लेना है। यहाँ पर गाइस आपको बीट को काउंट करना है कहाँ तक। देखिए गाइस, ये फर्स्ट वाली बीट है जो हमने म्यूज़िक पे लगाई थी, ये सेकंड बीट हो गई इसके बराबर वाली, ठीक है, ये थर्ड बीट हो गई, ये फोर बीट हो गई। आपको 4 बीट तक क्या काम करना है, ये आपकी 4 बीट है ना, इससे पहले पहले आपको क्या काम करना है गाइस, आपको अपने फ़ोटो में बारीक बारीक स्प्लिट लगाने। अगर यही मैं आपको बीट के थ्रू बताता तो कम से कम इसमें 50-60 बीट लग जाती, जिसमें आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ। मैंने आपको बताया 4 बीट तक। सबसे पहले शुरू में आ जाना है, नीचे देखिए स्प्लिट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, आपको थोड़ा सा आगे चलना है, थोड़ा सा शो हो जाएगा, स्प्लिट कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, शो हो जाएगा, स्प्लिट कर देना है। ज़्यादा मोटा मत करना, बारीक बारीक स्प्लिट करने आपको, ठीक है, चौड़े चौड़े स्प्लिट मत करना। इस तरीके से गाइस आपको स्प्लिट लगा लेने, जिस तरीके से यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ना, इसी तरीके से गाइस आप लगा लेना। मैंने एक वीडियो में पहले से लगा के रख ली है, ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आपको क्या करना है, एक फ़ोटो, सेकेंड फ़ोटो, थर्ड फ़ोटो, फोर फ़ोटो और ये 5 फ़ोटो, आपको ये शुरू के 5 फ़ोटो में लगाने हैं, ठीक है। आप काउंट कर लेना, मतलब सॉरी गाइस, 4 फ़ोटो में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, आपको शुरू के 4 फ़ोटो में आपको ये बारीक बारीक स्प्लिट लगाने हैं पूरे में मिलाकर, ठीक है, आप लगा लेना। इसके बाद गाइस आपको FX लगाने हैं।
FX गाइस आप कौन से लगाओगे। गाइस एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से FX लगाने हैं। ऐसे गाइस आपकी अच्छे समझ में आ जाएगा, बस गाइस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं स्प्लिट कर चुका हूँ, आप देखते हो कितने बारीक बारीक मैंने स्प्लिट करें, ये आपको दिख रहे होंगे ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको 4 नंबर की बीट तक करें, आपको 4 नंबर की बीट तक करना है ठीक है। अब क्या करना है गाइस आपको, इनमें आपको बारीक वाले फ़ोटोज़ में क्या करना है, पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस, ये फर्स्ट वाली बीट है ना, आपको यहाँ तक इसमें क्या करना है, मान लो फर्स्ट फोटो मैंने इतना जूम करा है, स्क्रीन पर टच करके आपको जूम करना है ठीक है। यहाँ पर सेकंड फ़ोटो इतना जूम करा है, थर्ड फोटो इतना जूम करा है, इसे जूम करने के बाद साइड वगैरह भी कर सकते हो आप ठीक है। 4 फोटो इतना जूम करा है, 5 फोटो, 6 फोटो मिरर करा है, वो फ़िलिप करा है, 7 फोटो इतना जूम करा है, 8 फोटो इतना जूम करा है, 9 फोटो फ़िलिप करा है, 10 फोटो नॉर्मल रखा है, 11 फोटो इतना जूम कराए, 12 फोटो इतना जूम कराए, मिरर कर दिया साथ में, मिरर फ़िलिप का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा ठीक है। फर्स्ट वाली बीट तक तो आपको ये करना है, अब आती है आपकी अब आते हैं सेकंड बीट के बाद आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए गाइस, मान लो ये इस सेकंड बीट के बाद का ये फर्स्ट फोटो है, ये इतना जूम कराए, ये आपको फ़िलिप करना है, साथ में मिरर करना है ये गाइस आपको। अब क्या करना है गाइस आपको, यही करना है सेकंड वाली बीट के बाद, आपको ध्यान दीजिए। यहाँ पर गाइस आपको 2 फोटो फ़िलिप करने हैं, एक साथ 2 फोटो फ़िलिप करोगे और साथ में आप इधर को, मतलब आपका इधर हो तो आपको इधर कर लेने ठीक है, 2 फोटो फ़िलिप करने हैं। अब 2 फोटो जो फ़िलिप करोगे, जो आपका उसमें का पहला वाला फ़ोटो होएगा वो आपको हल्का सा जूम कर लेना इस तरीके से, फिर गाइस आपका नॉर्मल फ़ोटो, फिर 2 फोटो फ़िलिप और जो पहला वाला फ़ोटो होगा आपको हल्का सा जूम कर लेना है ठीक है। इसके बाद इस तरीके से गाइस आपका, फिर यहाँ पर नॉर्मल फ़ोटो, फिर 2 फोटो फ़िलिप, फ़िलिप करोगे जब आप, मान लो ये फ़िलिप कर रहे हो आप ऐसा होएगा तो आपको मिरर भी कर देना इधर की साइड का हो जाएगा ठीक है, जैसे मैंने करें यहाँ पर इधर की साइड के। फिर 2 फोटो फ़िलिप, जो उसमें का पहला फ़ोटो होगा आपको थोड़ा सा जूम करना है ठीक है, फिर नॉर्मल, फिर 2 फोटो फ़िलिप, उसमें का पहला वाला जूम करना है इस तरीके से। अब गाइस आते हैं आपके सेकंड बीट के बाद के फ़ोटो, यहाँ पर यानी कि 3rd नंबर का फ़ोटो, इसमें आपको क्या करना है, फ़िलिप ठीक है, मिरर, जूम ठीक है, इतना नॉर्मल रखना है आपको, इतना जूम करना है, इतना जूम करना है ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल सेम करोगे, अगर सेम करोगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी, मतलब बहुत टाइम लगेगा बनने में, आप थोड़ा अपने हिसाब से भी अपना दिमाग लगा कर भी थोड़ा कर सकते हो ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से कर लेना। अब गाइस आता सबसे बड़ा वाला फ़ोटो आपका बीट के बाद, तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए गाइस, आपको सेम काम करना है। यहाँ पर देखिए, एक फ़ोटो मिरर, मतलब एक फ़ोटो मिरर फ़िलिप है, और एक यहाँ पर 2 फोटो गाइस आपको, एक फ़ोटो फिर नॉर्मल, फिर मिरर फ़िलिप, मिरर फ़िलिप, फिर नॉर्मल ठीक है। आप यहाँ पर क्या करना है आपको, 2-3 फोटो छोड़ने के बाद 2 फोटो जो नॉर्मल रखोगे ना, उसमें से पहला वाला फ़ोटो आपको जूम करना है ठीक है, फिर फ़िलिप, फिर 2 फोटो नॉर्मल रखोगे उसमें से पहला जूम करना है, फिर अगला फ़ोटो फ़िलिप ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरीके से आप कर लेना, 2 फोटो नॉर्मल, पहला जूम, एक फ़िलिप, इस तरीके से आप कर लेना ठीक है। अभी गाइस आपको बड़े वाले फ़ोटोज़ में क्या करना है, मैं आपको जल्दी से यही बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो गाइस, ये आपका जितने भी आपने फ़ोटो स्प्लिट करे ना यहाँ तक, ये यह आपका मान लो फर्स्ट फ़ोटो हो गया, इसे मैं सेकंड मान लेता हूँ। यहाँ पर आपको सेकंड फ़ोटो पर आना है, लास्ट में आपको मिलेगा जूम, जूम पर क्लिक करके जूम आउट लगाना है। फिर गाइस आपको इसमें भी जूम आउट लगाना है सेकंड में, वो सॉरी थर्ड में, ये सेकंड हो गया, थर्ड में भी आपको जूम आउट लगाना है। 4 में गाइस आपको ये वाला लगाना है जूम आउट, 5 में जूम आउट, सब में गाइस आपको जूम आउट लगाना है ये बड़े वाले फ़ोटोज़ में ठीक है। आपको एक काम और करना है, यहाँ पर सेकंड फ़ोटो नॉर्मल है और उससे अगला वाला फ़ोटो आपको इतना जूम करना है स्क्रीन पर टच करके, 3rd नंबर का, 4 नंबर का फ़ोटो मिरर करना है, 5 नंबर का फ़ोटो नॉर्मल, 6 नंबर का फ़ोटो मिरर करना है, 7 आपको 7 नॉर्मल ठीक है। अभी गाइस मैं आपको FX बता देता हूँ, FX आपको कौन से लगाने हैं। सेकंड नंबर के फ़ोटो पर आ जाना है, नीचे आपको मिलेगा FX, यहाँ पर गाइस आपको ये वाला इफेक्ट लगाना है, जिटर डाउन वाला ठीक है। 3rd फोटो में जिटर डाउन, 4 फोटो में जिटर डाउन, 5 फोटो में जिटर डाउन, 6 फोटो में जिटर डाउन, 7 फोटो में जिटर डाउन, सब में आप जिटर डाउन लगा लेना। अभी गाइस यहाँ पर जैसे ये प्लस आ रहे हैं एंड में, इस तरीके से आपके बीच में प्लस आएंगे, किसी भी एक प्लस पे क्लिक करके यहाँ से आपको जूम वाला इफेक्ट लगा के अप्लाई टू ऑल कर देना है, सारे फ़ोटोज़ में आपके एक ही बारी में लग जाएगा। अभी गाइस आपको ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9.16 वाला साइज़ लगा देना है। गाइस हमारी वीडियो बन गई है, एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। और गाइस आपको वीडियो सेव करने के बाद ना, इसमें लास्ट में एक इफेक्ट और लगाना है, वो इफेक्ट इंस्टाग्राम से लगेगा। अब आप इंस्टाग्राम से कौन सा इफेक्ट लगाओगे गाइस, जो वीडियो मैंने आपको शुरू
शुरू में प्रीव्यू में दिखाई थी ना, उस ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो में जाने के बाद इफेक्ट लगा लेना। अगर बाय चांस आपसे इफेक्ट लगाना नहीं आता तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया वीडियो में फ़िल्टर कैसे लगाएं। ऊपर आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको इतना साइज रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।